तो बाइनरी ऑपरेशंस में अभी तक आपने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेट ऑफ़ नेचुरल नंबर्स में इस प्रकार डिफाइन है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी तब हमें इस क्वेश्चन के चार पार्ट दे रखे हैं और हमें इन चारों को ही सॉल्व करना है फर्स्ट पार्ट में हमें ये चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार कम्यूटेटिव है या नहीं सेकंड में यह चेक करना है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार एसोसिएटिव है या नहीं थर्ड पार्ट में हमें बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन को यूज करके 20 स्टार 16 की वैल्यू फाइंड करनी है एंड फोर्थ ऑप्शन में हमें बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है तो अब आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की ट्राई कीजिए सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड टेक मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन आई होप आप सभी ने इस को सॉल्व कर लिया होगा तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन में गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि वह एन क्रॉस एन से एन में डिफाइन होगा अब सबसे पहले हम उसके कम्यूटेटिव होने के लिए चेक करते हैं एंड हम पढ़ चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार कम्यूटेटिव होगा यदि a स्टार b b स्टार a फॉर ऑल a एंड b बिलोंग टू n अब हम इसे चेक करने के लिए a की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यू 3 अज्यूम करते हैं एंड 2 एंड 3 दोनों ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में लाई करते हैं अब हम सबसे पहले टू स्टार थ्री की वैल्यू निकालते हैं जैसा कि इस क्वेश्चन में बाइनरी ऑपरेशन स्टार की डेफिनेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम टू स्टार थ्री को लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ टू कोमा थ्री एंड हम जानते हैं कि टू एंड थ्री का एलसीएम सिक्स के इक्वल होता है इसलिए टू स्टार थ्री की वैल्यू हमें सिक्स के इक्वल मिलेगी अब हम थ्री स्टार टू फाइंड करते हैं एंड यह इक्वल होगा एलसीएम ऑफ थ्री कोमा टू एंड थ्री एंड टू का एलसीएम भी सिक्स के ही इक्वल होता है तो इस तरह आप देख सकते हो कि टू स्टार थ्री एंड थ्री स्टार टू की वैल्यू इक्वल है एंड एलिमेंट टू एंड थ्री दोनों ही नेचुरल नंबर के सेट में लाई करते हैं तो हम यहां से कह सकते हैं कि गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार कम्यूटेटिव होगा इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स तो स्टूडेंट्स इसी तरह आप एसोसिएटिविटी को भी चेक कर सकते हैं एंड इसका सॉल्यूशन अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एंड यहां से रिजल्ट मिला है कि बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में एसोसिएटिव भी होगा अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं जिसमें हमें ट्वेंटी स्टार सिक्सटीन की वैल्यू फाइंड करनी है इस में कुछ इस तरह से डिफाइन है ए स्टार बी इज इक्वल टू एल्सियम ऑफ ए एंड बी तो यहां से 20 स्टार सिक्सटीन की वैल्यू हो जाएगी एल्सियम ऑफ 20 एंड 16 एंड हम जानते हैं कि 20 एंड 16 का एल्सियम होता है 80 तो इस तरह हम यह कह सकते हैं कि हमें 20 स्टार सिक्सटीन की वैल्यू मिली है 80 इसी तरह आप बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए फोर्थ पार्ट में आइडेंटिटी भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं एंड इसका सॉल्यूशन अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एंड यहां से हमें आंसर मिला है कि इस बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए आइडेंटिटी होगा इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इसका रीजन ये है कि हम किसी भी नेचुरल नंबर का यदि वन के साथ एलसीएम लें तो हमें वह नेचुरल नंबर ही मिलता है इसलिए इस क्वेश्चन में वन इस गिवन बाइनरी ऑपरेशन की आइडेंटिटी होगी तो अब इस टॉपिक की समरी यह है कि हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है एंड बाइनरी ऑपरेशन किस प्रकार से डिफाइन होता है एंड हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बाद हमने बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा तो अब आप सभी को यह रेफरेंस क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं